वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रूहान के लिए स्पेशली दीपिका इब्राहिम ने बनाई है अपने ब्रेस्ट मिल्क से कैंडी, क्योंकि उसको टीथिंग हो रही है, उसी के लिए उन्होंने ये कैंडी बनाई है। आइए देखते हैं वीडियो। बस बीच बीच में ऐसे ही मस्ती कर करके हम इसे जितना डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, हम कर लेते हैं। आपने देख ली लिया कि दीपिका इब्राहिम ने किस टाइप की कैंडी बनाई है। और वो ये प्रोडक्ट्स हैं कुछ जो दीपिका इब्राहिम ने खास कर रूहान के लिए मंगवाए हैं। ये उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं और बहुत ही ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स हैं। रूहान जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी है, उसी के लिए दीपिका इब्राहिम ने ये शॉपिंग की है और बहुत ही ज़्यादा महंगी शॉपिंग की है। उन्होंने ये प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। ये इसमें बाउल है और वो अब खाना शुरू करने वाला है, उसी वजह से उन्होंने ये चीज़ें उसके लिए मंगाई हैं। उसका सॉलिड स्टार्ट होने वाला है। दीपिका इब्राहिम बहुत ही रूहान का ख्याल रखती है, माशाल्लाह वो बहुत ही प्यारा दिखने लगा है। आपको कैसा लगता है रूहान इब्राहिम, अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और प्रोडक्ट्स आपको कैसे लगे वो भी बताइएगा। तो यूजुअली मुंह में इस तरीके से बच्चों का हाथ जाता है तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि बच्चा भूखा है, उसे भूख लगी है, लेकिन टीथिंग शुरू हुई है तब से इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हंगर। जैसा कि दीपिका इब्राहिम ने बताया, रूहान अक्सर रोता रहता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगा है। वो एक प्यारा सा बच्चा है, हंसमुख सा बच्चा है। बच्चे जब परेशानी में होते हैं, खासकर जब उनके टीथ निकल रहे होते हैं, तो वह बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं उनको। इसी के बारे में दीपिका इब्राहिम बता रही हैं। और उन्होंने अपने ब्रेस्ट मिल्क से एक कैंडी बताई है। वो जितने जो कुछ कर सकती हैं वो रूहान के लिए वो सब कुछ कर रही हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत रूहान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। फर्स्ट टाइम उसके टीथ आ रहे हैं, 6 मंथ का हो चुका है, और दीपिका इब्राहिम के लिए भी और दीपिका के लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है ही, क्योंकि जब बच्चे परेशान होते हैं तो माँ बाप बहुत बड़ी टेंशन में आ जाते हैं। और इस समय तो रूहान बहुत ज़्यादा परेशानी में है, उसके टीथ निकल रहे हैं, पर फिर भी लोग उसे बुरा कह रहे हैं। उस लोगों ने तो ये तक कह दिया है कि दीपिका अपने हस्बैंड के बारे में जब कोई बुरा बोलता है तो कुछ ना उसके बारे में एक्शन ले लेती हैं और उसके लिए अलग से ब्लॉग बनाती हैं। हेटर्स को जवाब देने के लिए वो तैयार खड़ी रहती हैं, पर जब उनके बच्चे को बोला जा रहा है तो क्यों नहीं बोल रही हैं? आखिर इसकी क्या वजह है जो दीपिका इब्राहिम इतनी शांत हैं? और अपने बच्चे के बारे में वो कमेंट्स तो पढ़ती ही होंगी। लोग ने यहाँ तक कह दिया कि वो पहले कहती थी कि कमेंट्स वो पढ़ती हैं, बट अगर वो कमेंट्स पढ़ती हैं तो फिर वो अपने बच्चे के लिए एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं? हेटर्स को उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? आखिर क्या वजह है तो दीपिका इब्राहिम कुछ भी नहीं कह रही हैं? इसके ट्रोलर्स ने बहुत दीपिका इब्राहिम को ट्रोल कर किया है और इस बात का बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि इतने से प्यारे बच्चे को कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। और पर फिर भी कमेंट्स में इतनी गंदी गंदी बातें लोग दीपिका इब्राहिम और उसके बच्चे को कह रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, पता नहीं कहाँ से उठा लाए हैं, किसका बच्चा है। ऐसा बोलना किसी के लिए किसी के लिए सुनने में बहुत ही ख़राब लगता है, फिर भी दीपिका इब्राहिम ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही हैं? आखिर क्या वजह है इसकी? आपको शायद इसके बारे में कुछ अंदाज़ा हो तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है फ्रेंड्स, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।